फ्रंटलाइन पंजाब नाल जुड़े दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। वड्डी अपडेट इस वेले सूबा पंजाब तो लैके हाजिर हो रहे हैं। वीडियो नूं अंत तक जरूर देखो तां जो सारी जानकारी सही तरीके नाल तुहाडे तक पहुँच सके। वड्डी खबर सूबा पंजाब तो आ रही है जी, जिथे पंजाब विच किसानां वल्लों लगातार भाजपा दे विरोध विच आए दिन ही चक्का जाम किया जाता रहिंदा है, उत्थे ही दूजे पासे अजिहे होर भी बहुत सारे मामले हैं जिस कारण सरकार नूं काफ़ी मुश्किलां पेश आ रही हैं। सरकार तो नाखुश सरकारी कर्मचारियों वालों समय समय से सरकार तो अपनी मंगा मनवाउण लई, अपनियां तनखाहां विच वाधा करवाउण लई जां अपनियां सीटां नूं पक्कियां करवाउण लई सरकार खिलाफ़ मोर्चाबंदी की जाती रहिंदी है ते धरने दिते जांदे हन। पंजाब सरकार वालों सरकारी विद्यक अदारियों में बच्चों को पढ़ाने लिए काफ़ी अध्यापक भर्ती किए गए जिन्होंने अजे तक पक्का नहीं किया गया। ये सब कच्चे अध्यापक अपन नौकरियां गवाउण नूं लैके काफ़ी चिंता में रहिंदे हन। इस संबंधी एक वड्डी जानकारी सामने आ रही है जिसके अनुसार कुलदीप सिंह बड्डूवाल ने जानकारी देंदे दस्सिया कि मोहाली 118 दिनों तो धरना लगा के बैठे आर्थिक शोषण का शिकार अध्यापक काफ़ी अके हुए हैं तो कुछ भी करन नूं तैयार बैठे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस समय पंजाब भर के कच्चे अध्यापक सिर ते कफन बन के आउण अपनियां मंगां दा पुख्ता हल करवा के वापस परतणगे। कच्चे अध्यापकां वल्लों मंगां कीतियां जा रहियां हन कि पेपर नूं लिया के नियुक्ति पत्र जारी किए जाण क्योंकि 3 महीने बीतण उपरंत किए गए वादे 7 जुलाई तो बाद भी पूरी तरह नहीं किए गए तो पेपर की तरीक जल्दी ही जारी की जाए। कच्चे अध्यापक यूनियन वल्लों दुशहरे वाले दिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर का घराव करन दा ऐलान भी कर दिता गया है। उन्हां दीआं मंगां मल्लण लई सरकार नूं चेतावनी दित्ती जा रही है। तो दोस्तों वड्डी खबर आ रही है, इस तरह दीआं होर ताज़ा जानकारियां लई चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं शेयर करना ना भूलो।